birthday, dear Rati. Happy birthday to you. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस समय बज रहे हैं सुबह के 10:15 और मतलब अभी भी मैं उठी हूँ, मतलब उठ तो सुबह 8:30 ही गई थी, बट मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बनाते हैं। तो मतलब कुछ दिन से मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी ना, मैं बनाने को मतलब टाइम नहीं मिलता, तो मैं शॉर्ट्स में ही ध्यान ज़्यादा दे रही थी, तो सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस पता है, आप लोग को बताओ, मम्मा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मम्मी तबीयत मम्मा को चक्कर वक्कर आ रहे थे तो कुछ 4-5 दिनों से, तो मतलब मम्मा की मैं ध्यान रख रही थी इतने दिनों से। और पता नहीं पापा को आज मतलब कॉलेज वालों ने कहा कि मतलब आज कॉलेज आ जाओ, ऐसा कौन सा यार कॉलेज है, तो मतलब बोल दिया कि कॉलेज आओ, ज़रूरी है कॉलेज आना। तो पापा को बस कॉलेज जाना पड़ा और मम्मा का ध्यान मैं रख रही हूँ। नानी का हेल्प हो जाती है थोड़ी थोड़ी, नानी से कॉल करके पूछ लेती हूँ नानी क्या करना है, तो नानी बता देती है कैसे करना है क्या करना है। और पता नहीं यार, पापा को तो कॉलेज वालों ने बुला लिया ऐसे। मेरे को एक केस पता चला था पापा के कॉलेज में ही कि किसी के दूर के रिश्तेदार का बेटा पैदा हुआ है, तो उनको तो छुट्टी मिल गई। मम्मी की तबीयत ख़राब है, पापा को छुट्टी नहीं मिली, पापा कॉलेज बुला लिया गया। मतलब रोज़ बुला रहा है कि आओ कॉलेज आओ, आओ कॉलेज आओ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गाइस इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो मतलब नानी ने आज हमको बताया था कि आज सूर्य ग्रहण है, तो मतलब पूजा वूजा नहीं होगी, तो पूजा तो मैंने की नहीं। और मतलब अभी 3:30 हो रहा है, तो बस अभी आज हम लोग का मतलब प्लान है, मेरी आज जोस का बर्थडे है, तो बस उसी के बर्थडे में आज मैं जा रही हूँ। 4:15 तक ऐसे निकलूँगी, तो अभी बस पापा का वेट कर रही हूँ, पापा कॉलेज से आए तब मैं जाऊँगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो मम्मी को कैसे छोड़ के जा नहीं सकती, तो पापा आएंगे तब जाएंगे। जब तब तक मैं जा रही हूँ अभी किचन में, दाल चावल हम लोग गर्म करके खा लेते हैं मम्मी और मैं, चलो चलते हैं। तो गाइस दाल चावल तो अभी बना दिए मैंने, तो मम्मी को अभी बस मैं दे दूँ, मम्मा को खिला दूँ, फिर मम्मा को दवाई भी देनी है ना, तो चलो चलते हैं। गाइस अभी देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो बस अभी चलो चलते हैं हम। मैं अभी जा रही 4 सीज़न, मेरी दोस्त का बर्थडे है ना, तो बताया था आपको, तो चलो वहीं चलते हैं। तभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, और आज था मेरे साथ, हम लोग बैठे हैं, पार्थिव वैभव भी है साथ में, ठीक है सारे वीडियो सब तैयारी करते हुए। यार तुम लोग इतना कर रहे हो, हमें शर्म आ रही है। यार क्या शर्म आ रही है? पार्टी हाँ, ये बोले नहीं रख दूँ ना, बड़े लोग अबे खड़े हो फसा दिए ये फसा रखी है मेरे को फसा रखा है बिल्कुल। मतलब चलो काटो भैया, बीच की बंदर तुम भी तो आ गई हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। फाइनली मैं घर वापस आ चुकी हूँ और इस समय बज रहे हैं 7:30। मतलब हम लोग का प्लान हुआ था हम लोग जल्दी ख़त्म कर देंगे 6:15 तक, फिर हम लोग का प्लान था कि मतलब दोबारा कहीं आगे और जाएंगे अभी, मतलब आज ही, बट जा नहीं पाए, टाइम इतना था नहीं, मम्मा बुला रही थी घर, तो बस हम लोग ने प्लान ख़त्म किया और बस 7:30 तक मैं घर आ गई अभी। अब मैं जा रही थोड़ा फ्रेशन अप जा रही, और फिर मैं थोड़ा कुछ खाऊँगी बैठ के, हाँ मतलब वहाँ भी खाया था बट फिर भी घर आके भी खाऊँगी, चलो जाते हैं। तो गाइस देखो मम्मी की तबीयत फिर भी ठीक नहीं है, बट मम्मा ने अभी बताशे तल दी है, तो अभी हम लोग गोलगप्पे खाएंगे, मतलब मम्मी मैं, भूख लगी थी तो वो खा लेंगे। A little longer than a few minutes later.
आज खाने में रोटियाँ और साथ में ये गट्टे की सब्जी। तो चलो अब बस खाना खाते हैं। मम्मा को मैं लगा दूँ मम्मा पापा के लिए। अब मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, मतलब थोड़ी थक गई हूँ तो बाद में खाऊंगी। तो चलो। A few moments later. So guys, मैंने भी डिनर अभी कर लिया है और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताना आज का आपको व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।